ये सारा सामान हमारा हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। सामान खरीदना था थोड़ा सा ज्यादा, बस थोड़ा सा ही ज्यादा खर्चा नहीं बना रही तो ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक और आई होप सो आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए ईद के दूसरे दिन का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हियर इज मैंगोज। आपको पता है चल रही है गर्मियां और गर्मियां चल रही हो तो आम ना हो पाकिस्तान में ये हो नहीं सकता, तो उसी मुनासबत से हियर इज चौंसा माशाल्लाह से माई फेवरेट मैंगोज आर हियर। ये आए हैं लेकिन आपको पता है फ्रिज में पड़ा हुआ है गोश्त ऊपर वाले खाने में जहाँ इनको ठंडा करना होता है, तो आज वो निकालूंगा और इनको ठंडा करूंगा। आज ये भाई मुनव्वर ने कुछ खजूरें भी काटी हैं खजूर के दरख्त से, ये लाल वाली और वो येलो वाली, और माशाल्लाह से ये देखे खजूरें पक भी चुकी हैं। ईद का दूसरा दिन है आप सबको पता है, तो दूसरे दिन आपको पता है मेहमान भी आते हैं। ये लाजमी नहीं है कि दूसरे दिन भी आएँ, तीसरे दिन भी आते हैं। पहले दिन तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सब कुर्बानी में बिजी होते हैं, तो आज हमारे घर भी आ रहे हैं मेहमान, तो उसी लिए ना सब रेडी खड़े हैं जी। कौन आ रहा है मेहमान जी? आ रहे हैं तेरी बहन मेरी दी। ओहो हाँ जी, तो फिर तो सामान भी ले आना पड़ेगा। हाँ जी सामान लाया ना हमने पहने। चलो जी अच्छा, ये हमने बस सदाकत पहले ही उठा के खड़ा है, काफी शॉपिंग किधर है? चलो लिखो जल्दी जल्दी सामान लिखाओ, गर्मी बढ़ रही है और आज ना गर्मी भी मैं कहता हूँ ना पूछे। तो अभी मैंने नहाना भी है और नहाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि सामान वगैरह खरीद के लाऊं ताकि फिर दोबारा आराम से सुकून से नहा के रेस्ट मार सके। और ये अम्मा रख के गई थी एप्पल के खाओ, लेकिन गर्मी इतनी होती है यकीन मान जाए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पहले अच्छे लगते थे अब पता नहीं क्या मसला है, मज़ा ही नहीं आता खाने का फ्रूट्स। ये मेरे कपड़े इसरे पड़े हैं, आज दूसरा दिन है और आज मैं ये ट्राउज़र और ये साथ में कुत्ता पहनूंगा। हाँ जी सामान लिख लिया सारा, क्या क्या लिखा है? इतना सवेज भी रेडी हो गया, आ गया जी। हाँ मैंने भी नहाना, तुमने पहले नहा लिया है? हैं ये नाखन मारा है, ये देखो ये इसने ना पूरा गाल अपनी नाखन मार ली, नींद नहीं आती इसे, बच्चे तो सारा पहले तो बहुत सोता था, अब जागता है, अब जागता है सारा दिन, जागते पार्टी टाइम है पार्टी टाइम। सामान खरीदना था थोड़ा सा ज़्यादा, बस थोड़ा सा ही ज़्यादा खरीदना था। पहले तो सदाकत और मैं जाते थे लेकिन आज भाई लियाकत आए हुए हैं, तो हमने सोचा चलो गाड़ी भी चले जाते हैं, सामान भी इजीली उठा के आ जाएंगे। तो अभी बस टाउन जा रहे हैं साथ वाले, वहाँ से जो भी वेजिटेबल्स जो भी गर्म मसाला जात वगैरह जो मतलब के यूज़ होते हैं सालन के लिए, वो सब कुछ खरीदना है क्योंकि आपको पता है आज पहाड़ी होने वाली है पहाड़ी। तो सामने आ गई हैं भैंसें और थोड़ी सी भी नहीं अच्छी खासी आ गई हैं। तुम इसमें से गुजरो, इसमें से हम तो ऊपर से गुजरेंगे। लिस्ट उठाई है सामान वाले, याद ही नहीं रहा सच्चा है, सही बात, मैंने उधर ही वो पैड में छोड़ के आ गया, मजाक नहीं। हाँ चल फोटो मंगवा फिर, अच्छा करते हैं कुछ, झूठ बोल रहा है मुझे पता है। यहाँ से कुछ हमने वेजिटेबल्स लेने थे और जैसे कि आपको पता ही है ईद चल रही है तो सारा कुछ ख़त्म ही है, टमाटर ले रहा था और भाई खीरे यही पड़े हैं। हाँ फिर खीरों का क्या करना है? इधर से सेब और आड़ू खरीदने, सेब तो पड़े हैं लेकिन आड़ू जो है ना ये तो मार्केट जो है ना वो ज़्यादातर बंद है, आपको पता है ईद का दूसरा दिन है सारे घर में गोश्त इंजॉय कर रहे हैं और हम सब्जियां ढूंढ रहे हैं, वही ना हम सब्जियां ढूंढ रहे हैं लोग गोश्त के पीछे पड़े हुए। ज़्यादातर शॉप्स जो है ना वो बंद पड़ी हैं ईद की वजह से ना, तो चीज़ें लेने में ना बहुत मुश्किल हो रही है, अभी कुछ मिली हैं फिर आगे जा रहे हैं किसी और शॉप पर चलते हैं वहाँ से कुछ खरीदेंगे, मतलब ना आज ना वो खुआरी काटनी है। जिस चीज़ का हमें ज़्यादा डर था वो था दही का, लेकिन शुक्र है भाई के पास पड़ी हुई है। कल एक पाव है आधा किलो बिस्किट है, बिस्किट आधा किलो, आधा किलो बिस्किट भी कर दीजिएगा ना। ये सारा सामान हमारा हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, बड़ी मुश्किल से लिस्ट कंप्लीट हुई है, तो भाई बिल बना दें इसका और जेब खाली कर लें हमारी।
सामान कंप्लीट फाइनली, अब चलते हैं जी घर। ये रख लो इधर, ये दही सीधी करके रख लेना। सामान सारा कंप्लीट हो गया और ना बस गर्मी ऐसी थी ना, मैंने कहा चले विटामिन थोड़े से ले लिए जाए, तो ये लेते हैं ये मरे हुए विटामिन, यानी कि काफ़ी टाइम का आपको पता ही प्रिजर्व किया जाता है, तो शायद इसमें इतनी क्वालिटी ना हो जितनी कि नेचुरल में होती है। पकड़, अभी रुक, बहुत है बहुत है। ओए ये इसी किचन में रखनी है, मैं कह रही चल दूसरे मल्ले आ। हाँ जी अमन जी, सब कुछ ओके हो गया, ये सारा सामान आ गया, ये फ्रिज में रख दीजिए, ऊपर खा लो, खाने में किसी तरह जगह बनाइए ताकि ठंडे भी हो जाए। सर जी ये चावलों के लिए मसाला रेडी हो चुका है, बस अब इसमें चावल डालने वाले रहते हैं। और इधर हैं जो हमारी सिस्टर साहिबा, स्पेशल आई हैं, आते ही हमने काम पे लगा दिया तो ये अम्मा की हेल्प कर रही हैं और शामी बना रही हैं। चले चलो आज ना आपकी शामियाँ भी खा लेंगे। तो सब लोग आ गए हैं, सामान भी आ गया, सिस्टर भी आ गए, बच्चे भी सब आ गए, तो अभी मैं नहा लेता हूँ, कपड़े शपड़े चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर गैदरिंग होगी, खाना पीना होगा, आपके साथ भी शेयर करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले मैं रेडी हो जाता हूँ। सो फाइनली आई एम रेडी, तो अब हो रहा है जी इंतज़ार, खाने का खाना बन जाता है, फिर मिलते हैं। हाँ गाइस, तो खाना रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया और सारी फैमिली आज आप देख रहे होंगे इतने ज़्यादा बंदे हैं जो कि पहले कभी बहुत कम होते थे, तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ, इधर से शुरू करते हैं, जुरेज, सदाकत, अच्छा मिश्राज और हमारी बहना, प्यारी बहना और सदाफ, मिसबा, साहर भाई, मुनवर, अब्बा जी, अम्मा जी और हेयर वन एंड ओनली हमारा शहजादा मुजम्मिल। तो बहुत दिनों के बाद गैदरिंग हुई है, आप लोग पहले भी कह रहे थे कि आपकी सिस्टर नहीं आई, तो आपको पता है ईद के पहले दिन सब बिजी होते हैं, तो हमने खुद ही मना किया था कि अभी गोश्त खा गया तो सब कुछ हमने अरेंज कर लिया, तो शुरू करें मेरे ख्याल में, व्लॉग तो चलते रहेंगे। चलें जी अम्मा जी डिस्ट्रीब्यूट अपना अपनी शुरू करें। अम्मा जी ने ना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी है अपने शुभ हाथों के साथ, इधर गोश्त, सॉरी गोश्त कह रहा हूँ, पुलाव वन एंड ओनली माई फेवरेट, सलाद, इधर मैंगो हैं, ये तो फिर सारा साल गर्मियों में चलते हैं ना, ज़्यादातर मौसम जो हमारा गर्मियों का होता है ना। जुरेज इधर आओ, और इसमें जी शामियाँ और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हैं, और कुछ चीज़ें बन भी रही हैं, तो वो गर्म खाने का मज़ा होता है, तो साथ साथ आती रहेंगी, एंड पे कुछ मीठा हो जाएगा, तो खाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा वैसे कैसा लग रहा है आपको हमें आ के खिला के? अच्छा खाने की बजाय आप हमें खिला रही हैं आगे, क्या बात है। मुजम्मिल कैसे लगे चावल? ठीक बने हुए हैं, आपके अम्मी ने ही बनाए हैं, ठीक है ना, तरी भी करनी है घर जाके नहीं तो। हाँ जी डालना रहा था। अच्छा आपने खुद बनाए हैं, कैसे लगे? कहते खुद के बंद मेहनत करके बंदा बनाए ना तो अच्छे लगते हैं। वैसे मैं जब तक खाऊंगा नहीं मैं तारीफ नहीं मानूंगा ये। हम इस पास सदफ कैसे लगे? अच्छे हैं, चले इंजॉय करें, इंजॉय करें। खाना पीना कंप्लीट हो गया, मीठा शीठा भी सब कुछ हो गया, हो गया। अब ये जी बारी लगी। अच्छा आप इसकी क्या लगती है? फुफो इसको अभी नहीं पता कि मेरी फुफो है और देख हंस रही फुप्पो कैसी लगी फिर है? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। ये भाई ये एक्सपायर्ड होता जा रहा है ना व्लॉग्स में, उसे पता है कि कहाँ पे बोल रहे हैं कहाँ पे चुप कर रहे हैं। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट के बाद सब लोग घर चले गए हैं, और आज का दिन वैसे बहुत मसरूफ़ भी गुजरा, बहुत मज़े का भी गुजरा। तो कैसा गुजरा वैसे आज तुम्हारा, कैसा गुजरा? ओ क्या मैं क्या मैंने ना पता ही नहीं चला दिन का, मैं ना
दिन जब मतलब चल रहा था ना, मैंने सोचा कि अभी 11 बजे मैंने उठ के टाइम देखा तो 3 बजे, तो मतलब इतना तेजी से आई टाइम। आप तो बहुत खुश होंगे, आफ्टर ऑल आपकी बेटी आई हुई है। बेटी आई, दोहतरे आए। हां, कहते हैं कि जब पोते आते हैं ना या पोतियां आती हैं या दोहते होते हैं ना, मतलब जो दादी नानी होती हैं तो वो अपने बच्चों को पोतों को देख कर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह आज अम्मा भी बहुत खुश हैं। तो शाम हो चुकी है, ये इस तरह आप देखें ना तो कैमरा में तो शायद आपको सही फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन सनसेट ना हो चुका है। तो अभी की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लें और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।